हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्राई की तरफ से एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। जिस अपडेट में बताया जा रहा है कि सिम कार्ड को लेकर के एक अक्टूबर से सभी रूल चेंज हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं सिम कार्ड से लेकर के, जो कि एक अक्टूबर से यह जारी किया जाएगा। तो किस प्रकार का ट्राई का अपडेट है जो कि सिम कार्ड से रिगार्डिंग है, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे एक अक्टूबर से लागू होगा सिम कार्ड का नया नियम, पहले से और बढ़ जाएगी शक्ति, यानी पहले से और भी यह जो कि सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर सिम कार्ड, तो इम्पोर्टेंट नोटिस है यह सिम कार्ड के लिए। यहाँ पे सरकार ने सिम कार्ड को लेकर कुछ नए नियम को लेकर ऐलान किया है। नए नियम लोगों के लिए सिम कार्ड खरीदने और इसे एक्टिव करने के तरीके को जो कि क्या करेगा बताएगा। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सिम कार्ड का नया नियम आने से इसे ख़रीदना और एक्टिव करना अब पहले से आसान नहीं रहेगा। इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा अपडेट आएगा जिसमें जो कि पहले जैसे हम आसानी से जाकर के सिम कार्ड ले लेते थे, अपने आधार कार्ड दे करके या जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उस डॉक्यूमेंट से लेकर के आप आसानी से सिम कार्ड पा लेते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाएगा। किस प्रकार का बदलाव है, चलिए। अब पहले जैसे आसान नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार ने सिम कार्ड के लिए सख्त नियम पेश किए हैं ताकि अब सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस सेफ और सिक्योर है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने देश में सिम कार्ड के इस्तेमाल को रेगुलर करने के लिए दो सर्कुलर जारी किए हैं। नया नियम आने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खरीदेंगे उनको तो प्रॉब्लम ही होगा, जैसे कि जो भी रूल होगा उसके साथ, और सबसे ज़्यादा सावधान जो दुकानदार होंगे जो सिम कार्ड बेचते हैं, यानी जो रिटेलर हैं, उनको सावधानी बरतनी होगी। उन्हें वहाँ काम करने वाले लोगों की बैकग्राउंड की जाँच करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका यह प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर सिम कार्ड लेने में आप प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सिम कार्ड लेना चाहें तो। लेकिन अगर आप लोकल एरिया में रहते हैं, अपने ही एरिया में सिम कार्ड लेना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आसानी से सिम कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि जो भी रिटेलर होगा आपको अच्छे से जानता होगा या आपके जान पहचान ही कहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल तो रिटेलर आपके कुछ ही हर एक गांव में भी देखा जाए तो लगभग रिटेलर बैठे हुए हैं किसी न किसी कंपनी के। तो यहाँ पे दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाए गए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। दूरसंचार कंपनी के 30 सितंबर से पहले अपनी सभी बिक्री केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियम ये है कि बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की भी जाँच करनी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानें नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं, या चीज़ों का सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए तैयार हैं। इनके अलावा डॉट ने निर्धारित किया है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में टेलीकॉम ऑपरेटरों को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। इसके बाद ही वे उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति देंगे। यानी कि जो भी दुकानदार होंगे उनको सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद वो सिम कार्ड बेच पाएंगे। सिम खो जाए या डैमेज हो जाने जाए तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक नज़र देख लेते हैं। जब आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं या पुराना सिम कार्ड खो जाने पर डैमेज हो जाने के कारण रिप्लेसमेंट लेते हैं, तो आपको एक डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यह प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे कि नया सिम कार्ड लेने के दौरान होता है। यह सुनिश्चित करना है कि सिम कार्ड सही लोगों को ही मिल रहे हैं। नए सिम कार्ड का मकसद सिम कार्ड को सेफ और सिक्योर रखना है और धोखेबाजों को फोन तक पहुंचाने से रोकना है। यह देश और लोगों की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम है। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट ट्राई की तरफ से निकल के आ रहा था, जिसमें बहुत सारे बदलाव जो कि किए गए हैं और भी काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे जो कि 1 अक्टूबर से नियम लागू किया जाएगा। क्या आप एक रिटेलर है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं, इसकी जानकारी देना चाहें तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस यही छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।